सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको डायबिटीज से लेकर ब्लड प्रेशर तक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जो आपके घर में मौजूद रहेगा और जिसको कोई आज तक करता नहीं है। वो नुस्खा क्या है? वो है बासी रोटी का नुस्खा। दरअसल हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो बासी होने के बावजूद भी सेहत को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। इनमें से एक गेहूं है। अक्सर आपने लोगों को बासी खाना ना खाने की हिदायत सुनी होगी। बासी खाना हो या रोटी, दोनों सेहत के लिए खराब समझी जाती हैं। 12 घंटे से ज़्यादा रखा हुआ बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और पेट खराब होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। इतना ही नहीं बल्कि बासी खाने को गर्म करके खाने से सेहत को कई घातक नुकसान भी पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बासी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता। भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बासी होने के बावजूद आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। इनमें से एक है गेहूं के आटे से बनाई गई रोटी, जो हर घर में बनती है। इसके बिना हमारा खाना पूरा नहीं होता है। दरअसल घरों में जब बासी रोटियां बच जाती हैं तो लोग उनको फेंक देते हैं या जानवरों को खिलाते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि उन रोटियों को फेंकने की बजाय आप खुद इस्तेमाल कीजिए, उनके फ़ायदे देख लीजिए। सबसे पहला फ़ायदा है कि इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। बासी रोटी को 10 मिनट के लिए दूध में भिगो दीजिए। सुबह के नाश्ते में दूध से भीगी हुई रोटी खाएं। ऐसा करने से जल्द ही ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहने लगेगा। अगला है, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर का 40 से ज़्यादा हो जाने से यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है। दूध में भीगी हुई बासी रोटी शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखने में काफ़ी कारगर साबित होती है। अगला है, जिन लोगों को पेट का दर्द हमेशा शिकायत रहती है, उनके लिए बासी रोटी बहुत फायदेमंद होगी। रात को सोने से पहले दूध में भीगी हुई बासी रोटी खाने से कब्ज और गैस की समस्या दूर हो जाती है। अगला है, डायबिटीज में बासी रोटी खाने से सेहत को काफ़ी फायदा पहुंचता है। दिन में किसी भी समय बासी रोटी को 10 से 15 मिनट दूध में भिगोकर खाने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, आप भी अगर बासी रोटियों को फेंकते हैं और आप अपने आप को स्टेटस सिंबल बनाकर गर्म रोटियां, ताज़ा रोटियां भी खा रहे हैं और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, तो वो लोग आज से ही बासी रोटी खाना दूध के साथ शुरू कर दें। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।